औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और आजमगढ़ का सर्वे जो निकल कर आ रहा है, उसी सर्वे के मुताबिक मैं आपको ये खबर बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आजमगढ़ और मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की पकड़ मानी जा रही है और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मुरादाबाद और आजमगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहाँ पर सबसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक पोल के ज़रिए से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आवाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पैगाम को पहुँचाने का काम कर दिया है और आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ पर ये कारनामा करते हुए मजलिस ने वहाँ के उम्मीदवारों को जिस तरह हाथ से चुना और जिस तरह हाथ से आवाम के बीच से उनको उम्मीदवार बनाकर आप सभी के बीच उतारा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की आवाम इन उम्मीदवारों को देखकर, इन उम्मीदवारों को सोचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ जुड़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी कामयाबी के झंडे को आगे बढ़ाएगी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का परचम इस मर्तबा लहराएगा और मुरादाबाद हो या फिर आजमगढ़ हो, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपना मेयर बनाएगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए लगातार शौकत अली साहब नुक्कड़ सभाओं के ज़रिए से, पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से, ज्वाइनिंग प्रोग्राम के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पैगाम आवाम के बीच ला रहे हैं और आवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर रुजू कर रहे हैं। तो आप सब मिलकर इस मरतबा मजलिस को कामयाब बनाने के लिए, इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जिताने के लिए आप शौकत अली साहब और वहाँ पर मजलिस के उम्मीदवारों का साथ दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहकर मजलिस को कामयाब बनाएं और मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।